जय हिंद, मैं अंशिका और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आदित्यपुरम। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाई हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 24 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून। इस बार ओलंपिक दिवस 2023 23 जून को मनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्माता कौन है, तो इसका निर्माता है पियरे डी इसका निर्माता है पियरे डी कूपर डी। अगर आपसे पूछा जाए इसको सबसे पहले कब मनाया गया, तो इसको सबसे पहले 1948 से इसको मनाया जा रहा है। और अगर पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1894 में हुआ था। और अगर इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लियोन जो स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है एडी बू, ऑप्शन बी है सवाना नसीम, ऑप्शन सी है रूबी सिन्हा, ऑप्शन डी है आलोक कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबी सिन्हा। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें टोटल 5 देश हैं। ब्रिक्स, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की मंजूरी दे दी है? बिहार, इसका ऑप्शन है ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये जो संपूर्ण पुष्टि योजना लाया गया, ये जो लाया गया है ये मुख्यतः महिलाओं के लिए लाया गया, जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जिसको मतलब अभी अभी बेबी हुआ उसके लिए लाया गया, उसको न्यूट्रिशन, ताकि उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके। इसके लिए मतलब उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा इस योजना को लाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने EWS छात्रों को 50% छूट देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन छात्रों को 50% छूट देने की घोषणा की है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा इसको लाया गया है। हाल ही में किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? इसके ऑप्शन है IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ये जो क्लाउड सीडिंग है इसका मतलब होता है कि बारिश करवाने की संभावना को बढ़ाना। अभी के समय में बारिश बहुत कम हो रहा है, इस वजह से इसे लाया गया है IIT कानपुर द्वारा, ताकि बारिश की संभावना को बढ़ाया जा सके। हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मावी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ चीन ने ये समझौता किया। इस समझौते में टोटल 4.8 बिलियन डॉलर का खर्च आने वाला है। इसके द्वारा 1200 मेगावोल्ट का ऊर्जा मतलब उत्सर्जित होगा। हाल ही में
निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एडीसीएस किसे किसने लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे लाया गया है निशुल्क कानूनी सहायता। यह हमारे संविधान के चौथे भाग के 39A में इसका प्रावधान किया गया, मतलब प्रावधान है इसके लिए। एलडीसी का योजना उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की निजी खेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश की निजी खेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना द्वारा निजी खेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। दो हजार 23 में ओशन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम कितने नौसेना जहाज शामिल थे? ऑप्शन है 19, ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19। 2023 में ओशन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम कितने नौसेना जहाज शामिल थे? क्वेश्चन, 2023 में ओशन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम में कितने नौसेना जहाज शामिल थे? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी है 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19। हमारे भारत के टोटल 9 नौसेना जहाज ने इसमें भाग लिया था। 19 जो नौसेना जहाज थे वो अलग अलग देश के अलग अलग बंदरगाह पे जाके भ्रमण कर रहे थे। योग कार्यक्रम जो 21 जून को मनाया जाता है उसी के उपलक्ष में ये जो नौसेना जहाज शामिल मतलब किया गया था ओशन में, और इसके द्वारा हम भारत के लगभग 19 नौसेना जो इसमें क्या भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग देश के अलग अलग बंदरगाह पे जा रहे थे। हाल ही में किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? इसका ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा एनडीडीबी के साथ साझेदारी की गई है। एनडीडीबी का फुल फॉर्म नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।